केवल वो लोग जो कुछ भी नहीं बनने के लिए तैयार हैं प्रेम कर सकते हैं। यहाँ कोई भी आपका सपना पूरा करने के लिए नहीं है। हर कोई अपनी तकदीर और अपनी हकीकत बनाने में लगा है। अगर आप सच देखना चाहते हैं, तो ना सहमति और ना असहमति में राय रखिए। कोई चुनाव मत करिए। जीवन को ऐसे अपनाइए जैसे वो अपनी समग्रता में है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज साफ और स्पष्ट हो जाती है। जीवन ठहराव और गति के बीच का संतुलन है। उस तरह मत चलिए जिस तरह डर आपको चलाए। उस तरह चलिए जिस तरह प्रेम आपको चलाए। उस तरह चलिए जिस तरह खुशी आपको चलाए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। खुद को स्वीकारिए। सवाल ये नहीं है कि कितना सीखा जा सकता है, इसके उलट सवाल ये है कि कितना भुलाया जा सकता है। मित्रता शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का सर्वोच्च रूप है, जहाँ कुछ भी नहीं मांगा जाता, कोई शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। कोई प्रबुद्ध कैसे बन सकता है? बन सकता है क्योंकि वो प्रबुद्ध होता है, उसे बस इस तथ्य को पहचानना होता है। यदि आप एक दर्पण बन सकते हैं, तो आप एक ध्यानी बन सकते हैं। ध्यान दर्पण में देखने की कला है। और अब आपके अंदर कोई विचार नहीं चलता, इसलिए कोई व्याकुलता नहीं होती। जिस दिन आपने सोच लिया कि आपने ज्ञान पा लिया है, आपकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि अब ना कोई आश्चर्य होगा, ना कोई आनंद और ना कोई अचरज। अब आप एक मृत जीवन जिएंगे। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है, यह ये जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। जैन एकमात्र धर्म है जो एकाएक आत्मज्ञान सीखता है। इसका कहना है कि आत्मज्ञान में समय नहीं लगता, ये बस कुछ ही क्षणों में हो सकता है। अर्थ मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, और चूंकि आप लगातार अर्थ जानने में लगे रहते हैं, इसलिए आप अर्थहीन महसूस करने लगते हैं।